आभूषण चमकाने के नाम पर लाखों की ठगी गहने लेकर फरार। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहे हैं ठग। सोने के आभूषण चमकाने के नाम पर लाखों की ठगी हो गई। दो शातिर बदमाशों ने देखते ही देखते लगभग 3 लाख कीमत के आभूषण लेकर रफू चक्कर हो गए। शुक्रवार को दिल्ली के लालबाग कॉलोनी के 2 घरों में 3 लाख से ज्यादा के गहने लेकर चंपत हो गए। जब इसका पता चला तो महिलाओं के होश उड़ गए। जानकारी के मुताबिक दोपहर 12 बजे लालबाग कॉलोनी में 2 युवक पैदल आए, जहां ज्योति साहू व उनके पड़ोसी मुनमुन केसरी के घर की महिलाएं बाहर थी। उनसे ठगों ने कहा कि वे गहने साफ करते हैं, सामने ही साफ करके दे देंगे। विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने 2 पायल साफ करके दे दिए। फिर भरोसा देखकर महिलाओं ने अंगूठी, कान की बाली, मंगलसूत्र आदि साफ करने के लिए दे दिए। तब ठगों ने साफ करने के बहाने गहने लेकर चंपत हो गए। बदले में एक पोटली थमा दी। जब महिलाओं ने उसे खोलकर देखा तो उसमें गहने की जगह कुछ पत्थर के टुकड़े व एक पुड़िया में कुछ पाउडर सा चीज देखकर उनके होश उड़ गए। तब तक वे दूर जा चुके थे। घटना की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी गई। दिल्ली थाना प्रभारी आकाश दीप ने उनके घर में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं। फुटेज में दोनों ठगों के चेहरे दिख रहे हैं। यह भी देखा कि घटना में कुछ मिनट पहले वे बाइक से आकर इलाके का रेकी करके गए, तब वे हेलमेट पहने हुए थे। पुलिस ने बताया कि अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली थाना प्रभारी ने लोगों से निवेदन भी किया है कि अगर किसी तरह की सूचना हो तो थाने को दें। सोना न्यूज़ दिल्ली से तारकेश्वर महतो की रिपोर्ट।